हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास ट्वेल्थ की यूनिट है थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका क्वेश्चन 11 देखेंगे। इससे पहले जिसके 10 क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 फर्स्ट वन मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें बतानी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी इफ़ डेल एम नोट। डेल एम नोट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड दिस, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। पहले हमें बतानी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, उसके बाद हमें बताना है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो वन बाई वन चलते, पहले हम लिखते हैं कि अपने पास गिवन क्या क्या है, जो अपनी कंसनट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है, 0.002 फर्स्ट वन मोलर, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं के से, इसकी वैल्यू है 7.8 10^-5 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, साइमन है। उसके बाद हमें गिवन है डेल एम नोट, दैट इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये तो हमें वैल्यू गिवन है। अब देखो वन बाय वन लिखते हैं, हमें बताना क्या है, पहले हमें देखते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के डी का सी अल्फा स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 - अल्फा, वेहर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एम बाई डेल एम नोट, और जो डेल एम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के बाई सी, और जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो वन बाई वन हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल एम, उसकी हेल्प से हम निकालेंगे अल्फा, और अल्फा की हेल्प से हम निकालेंगे के डी। तो पहले हम जो ये कंसनट्रेशन की वैल्यू है इसको बदलते हैं किस में, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, इतने मोलर है, मोलर को हम लिखते हैं मोल पर लीटर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 0.00241 मोल और पर लीटर। अब हमें क्या पता होता है कि जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मोल, ठीक है। तो अब देखो मैं इस पॉइंट को इस साइड खिसकाऊंगी ना, तो क्या होगा, ये नीचे जो जितने पॉइंट मैं इस साइड लेके जाऊंगी उतने ही नीचे 0 ऐड हो जाएंगे। तो 1 2 3, 3 पॉइंट्स खिसकाए हैं तो 3 तो पहले से हैं, 1 2 3 लग जाएंगे और सेंटीमीटर क्यूब, और ये बच जाएगा 2.41। तो यहाँ से हो जाएगा 2.41 मल्टीप्लाई में मोल, ऐसे का ऐसे ही है, ये मोल और ये सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है 10^6, तो अब साइड जाके 10^-6 हो जाएगा। ये हुई अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू। अब हमें इस कंसंट्रेशन की वैल्यू से क्या निकालना था, डेल एम। तो जो डेल एम है वो क्या है, के बाई सी। तो जो के की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 7.8 10^-5 साइमन पर सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू आई है 2.41 10^-6 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सेंटीमीटर, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये अप साइड जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वेयर में चेंज हो जाएगा। तो पहले यूनिट लिखते हैं, साइमन एज इट इज, इन दोनों को कैंसिल करने से ऊपर बचा सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये हो जाएगा पर मोल। और जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, जो ये अपनी वैल्यू है डेल एम वाली, तो यहाँ से जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, 32.9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अपने डेल एम की। तो जो ये अपना फर्स्ट इसमें हमसे पूछा गया था कि ये डेल एम जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, वो हमें यहाँ से पता चल गई। अब डेल एम आया है अपना, डेल एम की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अल्फा। अल्फा क्या होता है, डेल एम बाई डेल एम नोट। डेल एम तो हमने निकाल लिया, कितना है, 32.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। और जो डेल एम नोट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.0842। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 8.4 10^-2। ये आई अपनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से हम इसका अपना जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के डी, वो निकालेंगे कैसे, सी अल्फा स्क्वेयर 1 - अल्फा। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सी की वैल्यू है जो अपनी इस क्वेश्चन में है, यहाँ से देखो 0.02 और जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 8.4 10^-2 का स्क्वेयर, और 1 - में
8.4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 1.86 10 की पावर माइनस 5। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, डेल एम निकाला है के बाई सी फार्मूला से। उसके बाद जो ये डेल एम आया है और डेल एम नोट हमें गिवन है, उसकी हेल्प से हमने निकाला है अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से हमने निकाला है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट डेट इज के डी। यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे जो ये अपना क्वेश्चन 11 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।